हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज इस वीडियो पे यहाँ पर हम अल्कोहल्स के अंदर जो आपका एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसे हम कहते हैं यहाँ पर पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट, तो इसके मैकेनिज्म आज इस वीडियो पे यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए, तो ये आपकी आती है क्योंकि नेम रिएक्शन है। इसकी मैकेनिज्म दोनों आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ये आपका पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स के अंदर आता है, जिसमें आपका जो डाईहाइड्रिक वाला आपका चैप्टर है उसके अंदर ये आपकी रिएक्शन है डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स की। ठीक है, अब पिनाकोल पिनाकोलॉन की अगर हम बात करें, इसमें आपकी दो चीज़ें हैं, एक तो आपके यहाँ पर है पिनाकोल और दूसरा जो है आपके पास वो है पिनाकोलॉन। अब पिनाकोल को जो यहाँ पर आपका आईयूपीएसी नेमिंग होती है, जो आईयूपीएसी आपका नाम होता है, वो क्या रहता है, वो है आपके पास 2,3-डायमिथाइल और 2,3-ब्यूटेनडायोल, ये होता है आपके पास यहाँ पर पिनाकोल। इसे हम कहते हैं पिनाकोल 2,3-डायमिथाइल और सेकेंडरी थर्ड पोजीशन पे आपका डायोल है, ब्यूटेन डायोल। ठीक है, और जो आपका पिनाकोलॉन है, जो हमें यहाँ पर बनाना होता है, जो हमें यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट बनाना होता है, वो आपका पिनाकोलॉन होता है। तो पिनाकोलॉन का यहाँ पर क्या होता है आईयूपीएसी नेमिंग, वो होता है आपका 3,3-डायमिथाइल, थर्ड पोजिशन में आपके दो मिथाइल होते, 2-ब्यूटेनन और सेकेंड पोजिशन में होता है आपका यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप। तो पिनाकोलॉन को जो आपके यहाँ पर आईयूपीएसी नेमिंग होती है वो क्या रहता है, 3,3-डायमिथाइल 2-ब्यूटेनन। अब हमें यहाँ पर पिनाकोल टू पिनाकोलॉन बनाना होता है, मतलब हमें 2,3-डायमिथाइल 2,3-ब्यूटेनडायोल को कन्वर्ट कराना पड़ता है किस पर, 3,3-डायमिथाइल 2-ब्यूटेनन पर। तो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब कैसे होता है, सबसे पहले अगर हम जनरल रिएक्शन की बात करें, हमारे पास जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर पिनाकोल का वो कैसे रहेगा, हमारे पास ब्यूटेन है तो आपके पास यहाँ पर 4 कार्बन होंगे, सेकेंड और थर्ड पोजिशन में आपका डाईमिथाइल है तो 1, 2, 3 और 4, तो सेकेंड पोजिशन और थर्ड पोजिशन में क्या आपके पास डाईमिथाइल है, और सेकेंड और थर्ड पोजीशन में क्या आपके पास डाईओल है, 2,3-ब्यूटेनडायोल लिखा है, तो मतलब सेकेंड और थर्ड पोजीशन में क्या होगा, दो आपके अल्कोहलिक ग्रुप होंगे, तभी आपका डाईओल आ रखा है। एक होता तो सिंगल ओल आता, दो लिखा है तो आपका डाईओल होगा, बाकी आप हाइड्रोजन को लगा लो, यहाँ पर आपका CH3 बनेगा। तो ये जो आपके यहाँ पर स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आपका स्ट्रक्चर है पिनाकोल का। ठीक है, अब इसको हमें कन्वर्ट कराना है किस पर, पिनाकोलॉन में हमें कन्वर्ट कराना है। तो जब यहाँ पर हम पिनाकोल की रिएक्शन किसी भी मिनरल एसिड के साथ कराते हैं, वो आपका HCl भी हो सकता है मिनरल एसिड, या आपका जो आपका मिनरल एसिड है वो आपका H2SO4 भी हो सकता है। तो जब आपके यहाँ पर पिनाकोल की रिएक्शन किसी भी मिनरल एसिड HCl या H2SO4 के साथ होता है, तो उसके बाद जो आपको यहाँ पर चीज़ मिलती है उसका डिहाइड्रेशन आपका रहता है, डिहाइड्रेशन के बाद जब उसका रिअरेंजमेंट आपका होता है तब आपको यहाँ पर पिनाकोलॉन मिलता है। ये जब हम इसके मैकेनिज्म समझेंगे तब आपको यहाँ पर ज़्यादा क्लियर होगा कि आपका कैसे हो रखा डिहाइड्रेशन और ये आपका एसिडिफिकेशन कैसे हो रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले होता क्या है, पिनाकोल की रिएक्शन आपकी मिनरल एसिड के साथ होती है, मिनरल एसिड साथ कराने के बाद उसके बाद आपका डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन कहने का मतलब कि आपका वाटर का रिमूवल होता है, जो आपका पानी का वहाँ पर रिमूवल होता है, उसके बाद जब उसका रिअरेंजमेंट करते तब आपको मिलता है यहाँ पर पिनाकोलॉन। तो यहाँ पर जो आपको पिनाकोलॉन का स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्या रहेगा, अगर हम इस आईयूपीएसी नेमिंग से बात करें, आपके पास थर्ड पोजिशन में 2 मिथाइल है और ब्यूट है आपके पास, तो 4 कार्बन होंगे, तो 1, 2, 3 और 4। सेकेंड पोजिशन में क्या है, कीटोनिक ग्रुप, क्योंकि ब्यूटेन 2 ऑन है, 2-ब्यूटेनन है, तो क्या आएगा आपका ऑन पे डबल बॉन्ड हो। थर्ड पोजीशन में क्या है, 2 मिथाइल है, तो यहाँ पर भी 1 मिथाइल आएगा और यहाँ पर भी आपका 1 मिथाइल आएगा, तो ये CH3 हो गया और ये आपका यहाँ पर CH3 हो गया। ठीक है, तो ये जो आपके यहाँ पर स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपका पिनाकोलॉन का स्ट्रक्चर है और यही हमें यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट बनाना होता है। ये आपका यहाँ पर पिनाकोलॉन है और ये जो चीज़ आपको दिख रही है ये आपका यहाँ पर पिनाकोल है, ये पिनाकोल है और ये आपका यहाँ पर पिनाकोलॉन है। ठीक है, तो होता क्या है, अगर हम जनरल रिएक्शन की बात करें, सबसे पहले आपका यहाँ पर पिनाकोल की रिएक्शन किसी भी मिनरल एसिड के साथ होती है, रिएक्शन आपकी किसी भी मिनरल एसिड के साथ होती है। अब मिनरल एसिड आपका HCl भी हो सकता है या सल्फ्यूरिक एसिड भी यहाँ पर हो सकता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका डिहाइड्रेशन होता है, जो भी आपको यहाँ पर कंपाउंड मिलता है वह मैकेनिज्म में देखेंगे आपको कैसे मिलता है। तो आपका यहाँ पर डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर, पानी का आपका यहाँ पर रिमूवल होगा। ठीक है, और जब आपका पानी का रिमूवल होता है उसके बाद आपका रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगा, 1,2-हाइड्राइड शिफ्ट आपका, 1,2 शिफ्ट आपका रहता है, कार्बोनियम आयन आपका शिफ्ट करता है, उसके बाद आपको मिलता है यहाँ पर फाइनली कीटोन। तो ये आपके यहाँ पर प्रोसेस रहती है, सबसे पहले पिनाकोल आपके रिएक्शन कराएगा किसी भी मिनरल एसिड के साथ HCl, जिसको मैंने आपका H पॉजिटिव से यहाँ पर दिखा रखा है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर क्या होगा, डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन करने में क्या होगा आपका वाटर का रिमूवल होता है, और वाटर के रिमूवल के बाद आपका रीअरेंजमेंट होगा जिससे हमें मिलेगा यहाँ पर कीटोन, और फाइनल जो आपका प्रोडक्ट मिलता है कीटोन वाला, ये आपका पिनाकोलॉन होता है, जिसका स्ट्रक्चर आपका ये रहता है। इसका आईयूपीएसी नेमिंग क्या है, 3,3-डायमिथाइल 2-ब्यूटेनॉन, इसे हम पिनाकोलॉन कहते हैं, और पिनाकोल क्या है, पिनाकोल होता है आपका 2,3-डायमिथाइल 2,3-ब्यूटेनडायोल, ये होता है आपका पिनाकोल।
ठीक है। अब इसके यहाँ पर हम मैकेनिज्म देखने वाले कि आपका यहाँ पर ये प्रोडक्ट कैसे आता है। तो इसमें अगर मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म पे बेसिकली आपके यहाँ पर होते हैं चार स्टेप। ये जो आपके पिनाकोल पिनाकोलॉन की मैकेनिज्म है ये आपके यहाँ पर चार स्टेप में यहाँ पर होती है। स्टेप वन में क्या होता है आपका, स्टेप वन में होता है आपका प्रोटोनेशन ऑफ 1,2-diol। जो आपके पास यहाँ पर पिनाकोल है, पिनाकोल का सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, प्रोटोनेशन होता है। प्रोटोनेशन कहने का मतलब है कि H पॉजिटिव के साथ आपके यहाँ पर रिएक्शन होती है। प्रोटॉन कहने का मतलब है कि आपका H पॉजिटिव, ठीक है। तो प्रोटोनेशन होता है आपका 1,2-diol का। 1,2-diol कहने का मतलब जो आपके पास पिनाकोल है, पिनाकोल का यहाँ पर 1,2-diol भी कह रहा हूँ शॉर्ट पे, तो 1,2-diol का आपके यहाँ पर प्रोटोनेशन होता है, मतलब पिनाकोल का इसकी रिएक्शन आपकी H पॉजिटिव के साथ यहाँ पर होती है। तो पिनाकोल हमारे पास ये चीज़ है, तो इसको यहाँ पर हम लिख लेते CH3, और यहाँ पर भी OH है, यहाँ पर भी OH है, और ये भी आपका CH3। अब ये स्ट्रक्चर आपको याद करना पड़ेगा। ये आपका होता है यहाँ पर क्या, 2,3-dimethyl 2,3-butane-diol, ठीक है। सेकंड थर्ड पोजीशन में आपका क्या है, 2-methyl है और 2-diol है, तो क्या आएगा, 2,3-dimethyl 2,3-butane-diol। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है आपकी, एच पॉजिटिव के साथ, तभी हम कह रहे हैं इसका प्रोटोनेशन आपका यहाँ पर हो रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के पास आपके यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर भी आपका एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब इसमें से आपका जो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये आपका अटैक करेगा किसको, इस एच पॉजिटिव को। क्यों, क्योंकि आपका ये क्या नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव आपके यहाँ पर अट्रैक्ट करेंगे, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ चले जाएगा, इस एच पॉजिटिव के पास। अब यहाँ क्या बन जाएगा हमारे पास, CH3, ये OH आपका ऐसे ही रहा, ये CH3 आपका ऐसे ही रहेगा, ये CH3 ऐसे ही रहेगा, और ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका OH2 पॉजिटिव। अब इसको हम कहते हैं यहाँ पर प्रोटोनेटेड डायोल। ये कैसा आया, अब ये जो आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसने आपने क्या कर दिए, इलेक्ट्रॉन्स में क्या बना दिया, बॉन्ड बना दिया हाइड्रोजन के साथ। तो एक हाइड्रोजन तो आपका पहले से था और एक हाइड्रोजन आपका आ गया, तो H2 आपका यहाँ पर हो गया। अब ऑक्सीजन जब आपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ आपका बॉन्ड बना दिया, तो यहाँ पर उसकी जो वैकेंसी है, जो आपकी वैलेंसी है, वो आपकी यहाँ पर कम होगी। वैलेंसी कम होने से क्या हुआ, ऑक्सीजन पर आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिसके वजह से आपका क्या बन गया, OH2 पॉजिटिव। क्लियर हुआ कैसे बना, ये जो आपका ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे इन्होंने आपका बॉन्ड बना दिया इस हाइड्रोजन के साथ, तो एक हाइड्रोजन तो आपका पहले से और दूसरा हाइड्रोजन क्या हो गया, इसका बॉन्ड बनाया, तो आपका यहाँ पर OH2 बन गया। तो ऑक्सीजन ने जब अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कम होगी, जिसके वजह से ऑक्सीजन के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया। अब ये जो आपके यहाँ पर बना है इसे हम कहते हैं यहाँ पर प्रोटोनेटेड डायोल। ये आपके पास यहाँ पर प्रोटोनेटेड डायोल। डायोल क्यों कह रहे, क्योंकि आपके पास दो यहाँ पर OH ग्रुप है, अगर एक ही होता तो हम कहते हैं यहाँ पर प्रोटोनेटेड एल्कोहल। अभी दो आपके पास है तो इसलिए हम कह रहे हैं यहाँ पर ये आपका प्रोटोनेटेड डायोल है, ठीक है। तो स्टेप वन में क्या होता है, स्टेप वन में आपका पिनाकोल का प्रोटोनेशन होता है। प्रोटोनेशन कहने का मतलब H पॉजिटिव के साथ आपके यहाँ पर रिएक्शन होती है। H पॉजिटिव को हम प्रोटॉन यहाँ पर कहते हैं, तो पिनाकोल की रिएक्शन आपकी H पॉजिटिव के साथ यहाँ पर हो रखी है। कैसे हो रखी है, अगर हमारे पास दो यहाँ पर OH ग्रुप है तो इसमें जो आप इसमें से आपका एक जो OH ग्रुप है तो उसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दोनों के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और एक आपका OH क्या कर रहा है, इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना दे रहा है, और यहाँ पर बन गया आपका प्रोटोनेटेड डायोल। क्लियर हो गया, तो स्टेप वन में क्या हुआ है, 1,2-diol का प्रोटोनेशन यहाँ पर हो रखा है। अब स्टेप टू देखते हैं, स्टेप टू में आपका क्या रहता है, स्टेप टू में क्या होता है, स्टेप टू में आपका यहाँ पर कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है, बाय लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ से आपका वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है, जिसके वजह से आपका यहाँ पर कार्बोनियम आयन फॉर्म हो जाता है, इस कार्बन पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो स्टेप टू यहां पर हम क्या लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन बाय लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्रोटोनेटेड डायोल। सेकेंड स्टेप में क्या हो रखा, सेकेंड स्टेप में आपका कार्बोनियम आयन जनरेट होता है। कैसे होता है, हमारे पास जो यहाँ पर प्रोटोनेटेड डायोल आपको मिल रखा है, इसमें से आपका वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है, ये बॉन्ड आपका यहाँ पर शिफ्ट होता है, यहाँ से आपका वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और इस कार्बन पर आ जाता है आपका पॉजिटिव चार्ज, जिसे हम कहेंगे वो आपका कार्बोनियम आयन फॉर्म हो रखा है, ठीक है। तो हमारे पास प्रोटोनेटेड डायोल ये है, तो क्या है, देखो यहाँ क्या आएगा, CH3 CH2 पॉजिटिव, यहाँ CH3 है और यहाँ पर हमारे पास CH3 है, ठीक है। तो होगा क्या, अब इसका हमें पॉजिटिव चार्ज खत्म करना है, तो ये जो आपका बॉन्ड है ये आपका शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ से आपका वाटर का रिमूवल हो गया, यहाँ से आपका वाटर H2O रिमूव हो गया, ठीक है, पॉजिटिव आपका खत्म हो गया, तो यहाँ से आपका वाटर का रिमूवल हो गया। अब ये बॉन्ड आपका चले गया, अब कार्बन में क्या आ गया, इसकी वैलेंसी कम होगी, तो कार्बन में क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, तो ये बनेगा आपका CH3 CH3 OH। इस कार्बन में क्या आया, आपका पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर आपका CH3। अब इसे हम कहते हैं यहाँ पर यह बना आपका कार्बोनियम आयन,
क्योंकि कार्बन पे क्या आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज। हमें पता है जब कार्बन में आपका पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसे हम कार्बोनियम आयन यहाँ पर कहते हैं या कार्बोकटाइन यहाँ पर हम कहते हैं उसको। ठीक है, तो स्टेप टू में क्या हुआ है, स्टेप टू में आपका कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन हो रखा है। कैसे हो रखा है, आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका लॉस हो रखा है। कौन से वाटर मॉलिक्यूल, ये जो आपका यहाँ पर बना था। ठीक है, तो इसका जो आपका बॉन्ड है यहाँ पर शिफ्ट होता है इस ऑक्सीजन पर, इसका पॉजिटिव आपका खत्म हो गया। अब इसकी कार्बन की वैलेंसी आपकी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ये बॉन्ड आपका यहाँ पर चले गया। कार्बन तो आपके चार बॉन्ड बनाता है, तो एक बॉन्ड आपका यहाँ पर चले गया वाटर मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, तो कार्बन की वैलेंसी आपकी कम होगी, तो कार्बन में क्या आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे आपका यहाँ पर कार्बोनियम आयन जनरेट हुआ है। तो पहले स्टेप में क्या हुआ, पहले स्टेप में आपका पिनाकोल का क्या हुआ, प्रोटोनेशन हो रखा है। सेकंड स्टेप में क्या हो रखा, सेकंड स्टेप में आपका कार्बोनियम आयन जनरेट हो रखा। कैसे हो रखा, बाय लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्रोटोनेटेड डायोल। तो स्टेप टू भी आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। अब स्टेप थ्री आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको रीअरेंजमेंट देखने को मिलता है, और ये आपका इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इसमें आपका रीअरेंजमेंट होता है। जो आपका यहाँ पर कार्बोनियम आयन है इसका रीअरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो स्टेप थ्री में क्या हम लिखेंगे, स्टेप थ्री में हो रहा है आपका रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोनियम आयन जो आपको ऊपर मिला है स्टेप टू में, बाय वन टू शिफ्ट। इसे हम कहते हैं वन टू शिफ्ट टू गिव प्रोटोनेटेड कीटोन। रीअरेंजमेंट क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर प्रोटोनेटेड कीटोन चाहिए, हमें कीटोनिक ग्रुप यहाँ पर लाना है, इसके वजह से आपका यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो रहा है। ठीक है, अब रीअरेंजमेंट कैसा होता है वो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। हमारे पास कार्बोनियम आयन ये है, तो ये क्या आपके पास सी एस थ्री सी ओ एच सिंगल बॉन्ड, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर सी एस थ्री है, यहाँ पर सी एस थ्री है, और यहाँ पर आपके पास सी एच थ्री है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर रीअरेंजमेंट आपका कैसा होता है, इसे हम वन टू शिफ्ट भी कह सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं वन टू शिफ्ट, क्योंकि वन और टू में आपके यहाँ पर शिफ्टिंग होती है। ठीक है, कार्बोनियम आयन आपके यहाँ पर क्या होता है, चेंज होता है। तो होगा कैसे, ऑक्सीजन में क्या है आपका, ऑक्सीजन में आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन में आपकी क्या दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें से एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका उतर जाता है कहाँ पर, यहाँ पर, इसमें से एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका उतर जाता है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से जैसे ही आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ उतरता है, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, और उसी समय आपका यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ये बॉन्ड चले जाता है आपका कहाँ पर, इस कार्बन पॉजिटिव के पास। क्लियर हुआ क्या। अब देखो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, इसमें आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें जो आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये आपके उतर जाते हैं कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड जनरेट होगा। अब कार्बन आपका पांच बॉन्ड तो बना नहीं सकता, क्योंकि अनस्टेबल हो जाएगा, तो उसकी वजह से होता क्या है कि ये जो आपका बॉन्ड है ये आपका ब्रेक होता है और ये सी एस थ्री उठ के आपका चले जाता है इस कार्बन पॉजिटिव के पास। तो इसके पास क्या होता है, कार्बन पॉजिटिव आपका चले जाता है और यहाँ बन जाएगा आपका सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री। तो ऐसे आपका यहाँ पर अरेंजमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, फिर समझो हुआ क्या आपका यहाँ पर, ये जो आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन पे ये आपका उतरता है यहाँ पर। ठीक है, कार्बन के पास क्या आ गया, पांच बॉन्ड आ जाएंगे अगर ये आपका उतर गया यहाँ पर, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, तो पांच बॉन्ड आपके पास यहाँ पर हो गए। अब ये बॉन्ड आपका ब्रेक होगा और जैसे ही आपका बॉन्ड ब्रेक होगा ये सी एस थ्री आपका चले जाएगा इस कार्बन पॉजिटिव के पास। तो क्या आएगा, देखो सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी, ये आपका आ गया डबल बॉन्ड ओ एच। ठीक है, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, अब ये आएगा सिंगल बॉन्ड, अब ये सी एस थ्री आपका चले गया इस कार्बन पॉजिटिव के पास, तो ये बन गया आपका सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री। तो इसे हम कहते हैं यहाँ पर, यह आपका प्रोटोनेटेड कीटोन, ये है आपका प्रोटोनेटेड कीटोन, क्योंकि आपका डबल बॉन्ड ओ एच पॉजिटिव यहाँ पर बना है, इसे हम कहते हैं प्रोटोनेटेड कीटोन। ठीक है, या आप इसे कह सकते हो आपके यहाँ पर वन टू शिफ्ट हो रखा है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर आपके यहाँ पर शिफ्टिंग हो रही थी, पहला वाला जो आपका मिथाइल ग्रुप है यह आपका शिफ्ट हो रहा है कहाँ पर, इस कार्बन पॉजिटिव पर। ठीक है, तो कह सकते हो आपका यह वन टू मिथाइल शिफ्ट आपका यहाँ पर हो रखा है। कैसे हुआ, फिर समझो कि आपका ऑक्सीजन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन थे, सबसे पहले आपके यहाँ पर ये नीचे उतरे, अब इसमें आप होगा क्या, कार्बन के पास पांच बॉन्ड आ जाएंगे, अब पांच बॉन्ड अनस्टेबल है, तो ये आपका जो बॉन्ड है ये आपका ब्रेक होता है और ये जो आपका मिथाइल ग्रुप है ये आपका चले जाएगा इस कार्बन पॉजिटिव के पास, तो यहाँ बन जाएगा आपका सी एस थ्री। तो यहाँ पर क्या आ गया, तीन सी एस थ्री आपके यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, अब ये बॉन्ड जब आपका उतरा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड जनरेट हुआ, ऑक्सीजन की वैलेंसी अभी कम हुई क्योंकि आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चले गए, तो यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब इसको हम कहते हैं यहाँ पर ये आपका प्रोटोनेटेड कीटोन है। क्लियर हो गया, तो ऐसा आपके यहाँ पर बनता है प्रोटोनेटेड कीटोन। ये आपका इंपॉर्टेंट स्टेप है, स्टेप थर्ड, जिसमें आपका रीअरेंजमेंट हो रहा है कार्बोनियम आयन का। कैसे हो रहा है, बाई वन टू शिफ्ट टू गिव प्रोटोनेटेड कीटोन। क्लियर हुआ, कैसे हुआ आपका, ये आपका फर्स्ट और सेकंड पोजीशन है, तो इसमें कि वन टू शिफ्ट आपका हो रखा, याला जो मिथाइल ग्रुप है ये चलेगी आपका सेकंड वाले कार्बोनियम आयन वाले पे। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां पर क्लियर होनी चाहिए। स्टेप फोर में क्या हो रहा है, स्टेप फोर में आपका सिंपल क्या बनता है, पिनाकोलॉन बन जाता है। कैसे बनता है, स्टेप फोर में जो आपको यहां पर प्रोटॉन दिख रहा है इसका आपका रिमूवल होता है और यहां से आपको यहां पर कीटोनिक ग्रुप मिल जाता है। कैसे मिलेगा, स्टेप फोर में हमारा होता क्या, देखो स्टेप फोर में होता है आपका फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बाय लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द
प्रोटोनेटेड कीटोन जो आपको यहां पर ऊपर मिल रखा है। तो स्टेप फोर में क्या हुआ है, स्टेप फोर में आपको कीटोन की फॉर्मेशन हो रखी है बाई लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द प्रोटोनेटेड कीटोन। कौन सा प्रोटॉन, ये वाले प्रोटॉन की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। तो क्या चीज आपके पास, सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ओ एच पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड सी सी एस थ्री, सी एस थ्री और सी एच थ्री, ये चीज आपके पास है। ठीक है, तो होता क्या है यहां पर, ये आपका जो बॉन्ड है यहाँ पर सिंगल बॉन्ड OH का, ये बॉन्ड आपका चले जाता है यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजन आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से, तो ऑक्सीजन के जो आपके शेयर पर इलेक्ट्रॉन है वो आपकी जो हाइड्रोजन के शेयर पर इलेक्ट्रॉन है आपके ऑक्सीजन तो ज़्यादा खींचेंगे, तो ये बॉन्ड आपका चले जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ से पॉजिटिव आपका खत्म हो गया, यहाँ से प्रोटॉन आपका निकल जाता है, तो ये बन जाएगा आपका एच पॉजिटिव अलग से, और ये हो जाएगा आपका सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री सी एच थ्री और सी एच थ्री, और इसे हम कहते हैं यहाँ पर पिनाकोलॉन। तो ऐसा आपके यहाँ पर बनता है पिनाकोलॉन। तो स्टेप फोर्थ में क्या हुआ है, स्टेप फोर्थ में आपका प्रोटॉन का रिमूवल हुआ है। कौन सा प्रोटॉन, जो आपके यहाँ पर OH पॉजिटिव वाला था, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के आपके शेड पर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपका पॉजिटिव खत्म हो गया और ये बन गया आपका डबल बॉन्ड ओ कीटोनिक ग्रुप बना, और यहाँ पर आपका बाकी मिथाइल ग्रुप ऐसी रही, तो इसे हम कहते हैं यहाँ पर पिनाकोलॉन, एच पॉजिटिव आपके यहाँ से रिमूव हो गया। तो ऐसा आपके यहाँ पर बनता है पिनाकोल टू पिनाकोलॉन। तो बेसिकली अगर इसमें हम देखें तो आपके इसमें चार स्टेप है। पहले स्टेप में क्या हुआ है, पहले स्टेप में आपका प्रोटोनेशन होता है 1,2-diol का, पिनाकोल का आपका प्रोटोनेशन होगा एच पॉजिटिव के साथ। सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो आपको यहाँ पर प्रोटोनेट डायोल मिल रखा है इसका आपका वाटर का रिमूवल होता है, तो सेकंड स्टेप में आपका कार्बोनियम आयन यहाँ पर जनरेट होगा। कैसे होगा, ये आपका यहाँ पर बॉन्ड इसके पास चलेगा, तो यहाँ पर कार्बोनियम आपका पॉजिटिव आ गया। स्टेप थर्ड में क्या होगा, स्टेप थर्ड में आपका रीअरेंजमेंट हो रहा है, कार्बोनियम आयन जो आपको मिला है यहाँ पर स्टेप टू में इसका आपका रीअरेंजमेंट होता है बाई 1-2 शिफ्ट, मिथाइल आपका चले जाता है इस कार्बन पॉजिटिव के पास और यहाँ पर आपका बॉन्ड बना देगा। स्टेप फोर्थ में क्या हुआ है, स्टेप फोर्थ में आपका कीटोन की फॉर्मेशन हो रखी है बाई लॉस ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पर जो आपका प्रोटॉन है इसका लॉस होता है, ये बॉन्ड आपका शिफ्ट होगा इस पॉजिटिव पर, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो ऑक्सीजन आपका ऐसे आएगा सिंगल, ठीक है डबल बॉन्ड हो, तो ये क्या आएगा आपका पिनाकोलॉन प्लस एच पॉजिटिव आपके यहाँ पर अलग हो जाएगा। तो ऐसे आपके यहाँ पर पूरा स्टेप होते हैं, चार स्टेप में आपकी पूरी रिएक्शन होती है पिनाकोल पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट की। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन पूछा जाता है पिनाकोल पिनाकोलॉन से, तो अच्छे से आपको यहाँ पर देखना है कि ये चार स्टेप में आपकी पूरी रिएक्शन कंप्लीट होती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।